समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से अपनी प्रत्याशी का टिकट काट कर बड़ा खेल कर दिया है और ऐसे में अनुप्रिया पटेल की टेंशन बढ़ सकती है। चौथे चरण का चुनाव है और ऐसे में समाजवादी पार्टी ने मिर्जापुर लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशी राजेंद्र एस बिंद का टिकट काट कर रमेश बिंद को प्रत्याशी बनाया है। रमेश बिंद मौजूदा समय में भदोही लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद थे, पर इस चुनाव में उनका टिकट कट गया था, जिसके बाद रमेश बिंद ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामा और अब सपा के सिंबल पर मिर्जापुर से चुनाव लड़ेंगे। मिर्जापुर के मौजूदा प्रत्याशी राजेंद्र एस बिंद ने शनिवार को ही एक बातचीत में कहा था कि उनको अपने टिकट कटने का डर सता रहा है। उन्होंने कहा कि रमेश बिंद उनके लोगों को डरा धमका रहे हैं और क्षेत्र में टिकट कटवाने की बात कह रहे हैं। हालांकि तब उन्होंने कहा था कि उनको अपने नेता अखिलेश यादव पर भरोसा है कि वो उनका टिकट काटेंगे नहीं, लेकिन अब तो उनका टिकट कट गया है। मालूम हो कि समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारा है। इसमें सपा ने मिर्जापुर से रमेश बिंद को प्रत्याशी बनाया है, रॉबर्ट्सगंज से छोटेलाल खरवार को प्रत्याशी बनाया गया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मिर्जापुर की सीट अपना दल के खाते में दी है और यहां से सिटिंग सांसद और मंत्री अनुप्रिया पटेल नामांकन करने वाली हैं।